देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको, कंगना रनौत जो मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत इस बार सांसद बनी है और सांसद बनने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव हो गई है। यहां तक कि कंगना रनौत को लेकर के चिराग पासवान के साथ भी रिश्ते तक की बात जोड़ा जा रहा है। लगातार कंगना रनौत और चिराग पासवान के रिश्ते की भी बात छिड़ी हुई है, लेकिन अभी एक जो अहम जानकारी देने जा रही हूँ, आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, वो है कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ बातें कहा है। आज एक एक करके आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। मंडी से जीत हासिल करने वाली बीजेपी सांसद यानी कि कंगना रनौत काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से वो मंडी के लोगों के लिए कार्य कर रही है, कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि कंगना रनौत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब मंडी के जो भी लोग उनसे मिलने जाएंगे तो अपना आधार कार्ड और मिलने का उद्देश्य कागज पर लिख कर ले जाएंगे। हालांकि कंगना रनौत के इस बयान पर लोग ने काफी खुशी जताई थी कि जिस तरह से वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के बाद जनता को और जिस तरह से जमीनी स्तर पर वो कार्य कर रही है, ये काफी सराहनीय हो जाता है। यहां तक कि बात आती है चिराग पासवान की, तो जिस तरह से चिराग पासवान भी कई वीडियो में जिक्र करते हैं कि कंगना रनौत बहुत एक्टिव लीडर है, और मैं बॉलीवुड जब इंडस्ट्री में उनसे मिला था तब भी मैं चाहता था कि मैं कंगना को एक नेता के तौर पर देखूं, और आज मैं देख भी रहा हूं। और जिस तरह से मधुबाला जी ने भी कहा कि अब कंगना रनौत ने विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी पर बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है, तो बिल्कुल राहुल गांधी अब क्या बोलते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से कंगना रनौत ने आवाजें उठाई है, यहां तक कि कंगना रनौत लगातार आवाज उठाती है चाहे कोई भी मुद्दे हो, कंगना रनौत हमेशा एक्टिव ही रहती हैं। और एक्टिव होने का एक ये भी बात हो जाता है कि कंगना रनौत पल पल का अपडेट देते हुए भी नजर आती है। उसी बीच राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में आवाजें उठाई थी, संसद में जिस तरीके से भगवान शिव जी को लेकर के जो बातें सामने लाई थी, उस पर भी कंगना रनौत ने साफ कह दिया है। राहुल गांधी के क्या कुछ जांच की बात कंगना रनौत कही है, आपको प्रिया जरूर साझा कर रही है। देखिए, बात जब तब सामने आती है जब राहुल गांधी आए दिन संसद में कुछ ऐसे बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को ठेस पहुंचाता है। और राहुल गांधी को कौन नहीं जानता, वो कब क्या बोलते हैं, आए दिन संसद में वो भगवान शिव की फोटो दर्शाने लगते हैं तो अभय मुद्रा की बातें करने लगते हैं। अब इसी बीच कमल के फूल यानी बीजेपी को टारगेट करते हुए फिर वो कुछ ऐसा बोल दिए कि कहीं ना कहीं कंगना रनौत इस पर काफी ज्यादा आक्रोश हो गई है। अब कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से संसद में हमारे संविधान को ठेस पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ड्रग्स का नशा करके संसद में आते हैं, क्योंकि उनकी आंखें और उनकी बोली दोनों नियंत्रण नहीं रहती है। जी, जिस तरीके से कंगना रनौत ने ड्रग्स की जांच की मांग की है कि राहुल गांधी का ये जांच होना चाहिए, तो इसके बाद आपको बता दें कि विपक्ष में खलबली मच गई है। जैसे ही कंगना रनौत ने ये बातें रखा है, विपक्ष में लगातार कंगना रनौत को टारगेट किया जा रहा है। कंगना रनौत को लेकर के काफी लोग टिप्पणी भी दे रहे हैं, यानी कि हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं तो आम जनता भी काफी कुछ टिप्पणी दे रहे हैं कि कंगना रनौत भी फिल्मी दुनिया में यही करती थी जो राहुल गांधी पे इस तरीके का बात सामने ला रही है। क्योंकि देखे, यहां पे क्या हो जाता है कि राहुल गांधी को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो राहुल गांधी के तरफ से जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कंगना रनौत को लेकर के ये बयान आया है सामने कि कंगना रनौत ऐसी है, इसलिए राहुल गांधी को भी इसी नजरिए से देख रही हैं। हालांकि क्योंकि कंगना रनौत एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और करती थी भी, हालांकि जिस तरह से उन्होंने कई नई फिल्मों में भी काम किया और जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, हालांकि एक मैं फिल्म का जिक्र करना चाहूंगी, क्वीन मूवी, तो आपको याद ही होगा किस तरह से कंगना रनौत विदेश में जाती है और जो चीजें दर्शाती है उसमें नशेबाजी से लेकर अपने बोल्ड अंदाज को, तो लोग काफी इसको अभी प्रक्रिया पे ला रहे हैं। जिस तरह से कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स लेते हैं, तभी इस तरह से आके संसद में कुछ और बोल जाते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, ये विपक्ष के नेता है और विपक्ष के नेता को क्या बोलना चाहिए, कौन से भाषा शैली को नियंत्रण करना चाहिए, उनसे बड़ी समझ किसी को नहीं हो सकती। फिर भी राहुल गांधी के जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है। मैं अभी जिक्र करना चाहूंगी एक वीडियो को जिसमें वो महोदया के सामने कहते हैं कि कैमरा बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया।
राहुल गांधी की इस बेतुकी बातों को लेकर कहीं ना कहीं वहां स्पीकर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आप बैठ जाइए, आप होश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के इस बातों से साफ पता चलता है कि वो बेतुकी बातें नहीं कर रही है। जिस तरह से संसद में राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए, वो बड़े विपक्ष के नेता है, उन्हें अपने मर्यादाओं को, अपने संविधान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से कंगना रनौत ने जो ये मांगे रखी है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो वो देख रही है, जिस तरीके का हरकतें आए दिन राहुल गांधी कर रहे हैं, संसद में बैठ करके कर रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं, तो कंगना रनौत का ये साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का जो एक्टिविटी है, जो एक एक करके वो जो एक्टिव जो होते हैं, जिस तरीके से लोगों के सामने जो पेश आते हैं, तो उनका एक्टिविटी गौर किया जा रहा है। और कंगना रनौत का ये भी कहना है कि राहुल गांधी बेतुका बातें करते हैं, यानी कि जो कुछ भी उनका बातें रहता है उसका कोई मीन नहीं रहता है, इसी तरीके का बातें वो लोगों के सामने दर्शाते नजर आते हैं। हालांकि आपके बीच एक और बात मैं समक्ष करना चाहूंगी, अभी बात कर रही है कंगना रनौत राहुल गांधी को लेकर कि बेतुकी और ड्रग्स के मामले के, लेकिन वही जब भारत जोड़ो यात्रा था कंगना रनौत ने, उस समय राहुल गांधी का सपोर्ट किया था और भारत के पूरे लोगों को एकजुटता करने पे उनकी प्रशंसा भी की थी। यानी कहीं ना कहीं कंगना रनौत को तो इतनी समझ है ही कि कब क्या बोलना है। जिस तरह से राहुल गांधी इस तरह से बर्ताव करते हैं, तब लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो ड्रग्स ले रहे हैं या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आए दिन अगर राहुल गांधी कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा भी की जाएगी, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है और एक विपक्ष के नेता को उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो वाकई हमारे देश में चल रहा है, या फिर पक्ष के नेता से उन गड़बड़ी होती है तब करना चाहिए, ना कि वो रामायण और भीष्म और शिव का फोटो दर्शाने से वो क्या जिक्र करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ कंगना रनौत राहुल गांधी को लेकर के बयान जारी किया है, यानी कि जांच जारी करने का भी कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी का जांच होना चाहिए। और जिस तरीके से आए दिन राहुल गांधी ये जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, यानी कि संसद में भगवान शिव की प्रतिमा ले जाते हैं, फोटो ले जाते हैं और लोगों के सामने इस तरीके से पेश आ रहे हैं, तो कंगना रनौत का ये कहना है कि ये बेतुका बातें करते, इस तरीके की हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, ऐसा कंगना रनौत ने लिखा है। इसके बाद से पूरे देश में सनसनी सी फैल जाती है और कंगना रनौत को भी लेकर के टारगेट कर दिया जाता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कंगना रनौत की इस बातों को लेकर के, राहुल गांधी की इस हरकतों को लेकर के, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में आपको और कुछ बताएंगे, क्या कुछ आगे हुआ है, कंगना रनौत ने क्या कुछ आगे कहा है, क्या कुछ राहुल गांधी ने पलटवार किया है, क्या कुछ आम जनता ने पलटवार किया। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।